हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 1 ईयर बेबी के लिए प्यारा सा प्लाजो बनाना सिखाते हैं। ये देखिए, इसकी इस तरीके से फिटिंग कितनी प्यारी आ गई है। ये बेबी के पहनकर जल्दी से फटता भी नहीं है। 60 सेंटीमीटर इसमें हमने फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 पीस ले लिए हैं। इसकी लेंथ 20 इंच है और चौड़ाई इसकी 17 इंच है। अब हम इसको इस साइड से उठाते हुए ऐसे करते हुए डबल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी 4 तहें हो गई हैं, 4 फोल्ड इसकी हो गई हैं। अब इसकी आसन की चौड़ाई हमें 2 इंच लेनी है और लंबाई हमें 9 इंच लेनी है। ऐसे इसको चकोर कर लेना है। इसमें हमें यहाँ से गोलाई कर देनी है। यहाँ से 1.5 इंच हमें नेफा मोड़ने के लिए मार्क लगा देना है। इसको ऐसे करते हुए हम सीधा निशान लगा देते हैं। नीचे की साइड से मोहरी के लिए हमें 5.5 इंच निशान लगाना है। आधा इंच इसमें सिलाई में चला जाएगा, 5 इंच तैयार हमारी मोहरी रह जाएगी। ऐसे हल्की सी गोलाई करते हुए हम मोहरी तक निशान को लगाकर यहाँ से हमें 1 इंच नीचे की साइड से मोहरी फोल्ड होने के लिए निशान लगाना है। हमारा निशान लग चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। सिर्फ हमें यहाँ से कटिंग करना है। ऊपर के जो निशान हमने लगाए हुए हैं वो हमें कटिंग नहीं करना है। ये देखिए, हमारा प्लाजो कट चुका है। इसमें बीच से इतनी गहराई आई है कि ये जल्दी से बेबी के पहनकर फटता नहीं है। अब हम इसको खोल लेते हैं और 1.5 इंच का यहाँ पर पूरे में निशान लगा लेते हैं ताकि हमें इसका नेफा मोड़ने में आसानी रहे। अगर आप सिलाई में परफेक्ट हैं तो बिना निशान के भी आप इसको मोड़ सकती हैं, और अगर आप सिलाई सीख रही हैं तो निशान लगाने आपको ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आ सके और नेफा आपका अच्छी तरीके से फोल्ड हो सके। 1.5 इंच हमें इस तरीके से सीधा मार्क लगा लेना है। यहाँ से मोहरी पर से भी हम 1 इंच का निशान लगा लेते हैं मोहरी फोल्ड होने के लिए। ये देखिए, दोनों तरफ से हमने इसमें निशान लगा लिया है। अब सबसे पहले हम नीचे की साइड से मोहरी को फोल्ड कर लेते हैं। इस पर फोल्ड करते हुए मोहरी को हमने 1 सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, हमारी मोहरी मुड़ चुकी है। अब हम इस पर 1 सिलाई और लगा देते हैं किनारे पर, जिससे इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सिलाई हमने लगा दी है, दोनों सिलाई। दूसरी मोहरी पर भी हमें सेम इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए तैयार कर लेना है। ये देखिए, हमारी दोनों मोहरी पर सिलाई लगाकर तैयार कर ली है हमने। ये हमने आसन मिलाकर रख लिए हैं इस तरीके से। इस पर ऐसे करते हुए हमें 1 सिलाई लगा लेनी है।
पीछे की साइड से इलास्टिक को हमें खींचते रहना है। ये देखिए हमारी इलास्टिक पिर गई है। अब इस साइड से यहाँ को हम इसको निकाल लेते हैं, दोनों पीस को मिलाकर हम बराबर कर लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं। इसके ऊपर हमें 2 से 3 सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी इलास्टिक अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए और ये अंदर जाकर खुले नहीं। फ्रेंड्स, इलास्टिक पर हमेशा 2 से 3 सिलाई लगानी चाहिए जिससे जब ये नेफे के अंदर चली जाती है तो खुलती नहीं है। ये देखिए इलास्टिक हमने लगा दी है। अब हम इसको खींचकर बराबर कर लेते हैं जिससे ये सारी इलास्टिक अंदर चली जाए। अब हमें यहाँ से इस पर ऐसे करते हुए एक सिलाई लगा देनी है। हमारी सिलाई इलास्टिक पर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये खींचकर बराबर नहीं होती है, सिलाई में अटक जाती है इलास्टिक। ये देखिए अब हम इसको खींच लेते हैं एक बार और इलास्टिक के ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं जिससे बेबी के पहनने के बाद ये मुड़ती नहीं है, ऐसी ही सीधी रहती है। चारों तरफ से हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिक पर हमने सिलाई लगा दी है और कितनी प्यारी सी इसकी फिटिंग आई है। आसन की ये गहराई भी इसकी काफ़ी अच्छी हो गई है जिससे ये बेबी के पहनने के बाद जल्दी से फटेगा नहीं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए।